परीक्षा का भूत, ये क्या होता है? वो तो मुझे नहीं पता विषधर भाई, लेकिन बच्चे उससे बहुत डरते हैं और कुछ बच्चों ने तो उसे देखा भी है। हाँ? और ऐसा होने के बाद वो अपनी परीक्षा के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, पता नहीं कैसे। क्या? तो फिर बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? हाँ, और बच्चों ने साल भर जितनी पढ़ाई करने में मेहनत की है वो सारी बेकार चली जाएगी। इस बार बच्चों को परेशान करने का भयंकर परी ने बड़ा ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है रानी परी। हाँ अर्पण परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भयंकर परी बहुत चालाक है और वो अच्छी तरह से जानती है कि परीक्षा के दिनों में बच्चे बहुत डरे हुए और चिंता में रहते हैं, इसीलिए वो इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती है। वैसे बालवीर, आपने परीक्षा के भूत को देखा है? नहीं, बालवीर ने तो नहीं देखा, लेकिन जब बल्लू यानी मैं पढ़ाई करने बैठा था तो मुझे अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। और रानी परी, जब मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा के बारे में इतना चिंतित हूँ तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। रानी परी, बालवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, बच्चों ने पत्रों में भी यही लिखा है कि परीक्षा का भूत देखते ही वो अपने सारे याद किए हुए सबक को भूल जाते हैं। यही नहीं, आसान से आसान सवालों के जवाब ही नहीं दे पाते। ये तो बहुत चिंताजनक बात है रानी परी। अगर सच में ऐसा कोई भूत है और वो बच्चों को डरा रहा है तो बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? रानी परी, डर तो मुझे भी लग रहा है। मुझे मुझे डर है कि मैं मोंटू से शर्त ना हार जाऊं। नहीं बालवीर, आप ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। परीक्षा के भूत की चिंता आप हम सब पर छोड़ दीजिए। हम सब परियां मिलकर परीक्षा के भूत को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें बच्चों से दूर कैसे रखना है इसका उपाय भी हम निकालेंगे। हाँ बालवीर, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन रानी परी, माँ परियों, जब तक एक भी बच्चा परीक्षा के भूत से परेशान है, मैं चैन से पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ? कैसे? अच्छा मानो, तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आती हूँ, फिर तू थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और पढ़ने में और भी मजा आएगा। हाँ। पता नहीं वो आइसक्रीम खाके मेरे मन से वो एग्जाम का डर दूर होगा या नहीं। दूर नहीं होगा, परीक्षा का डर कभी दूर नहीं। बहुत बहुत। हाँ, भूत, परीक्षा का भूत। मैं जिस बच्चे के सर चढ़ा वो भूल जाता है सब जो उसने है पढ़ा। अब मैं तुम्हारे दिमाग से वो सब निकाल दूंगा जो तुमने पढ़ा है, और बचेगा तो बस मेरा डर, परीक्षा का डर। प्लीज ऐसा मत करो। सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मैं हूं खाली दिमाग का शैतान। क्या ठीक है मानव? अरे मानव, तू इतना डरा क्यों है? ये ले आइसक्रीम। नहीं, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, नहीं खानी है मुझे आइसक्रीम। उस परीक्षा की भूत ने मेरा दिमाग ब्लैंक कर दिया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या? परीक्षा का भूत उसने तेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया? हाँ,
नहीं मानव, ऐसा नहीं होगा, तो फेल नहीं होगा, तूने सब कुछ पढ़ा, तू पास होगा। नहीं मैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं मुझे तो लगता है कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। क्या? चल कुछ भी मत बोल, चल इधर आ। मैं बाहर आ। बाहर आ मैंने कहा। मानव उठ, मैंने कहा उठ। अरे कोई नहीं है इधर, देख ना कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ ये ले, ये ले आइसक्रीम। नहीं मैं नहीं। इस परीक्षा के भूत ने तो मानव पे भी असर कर दिया, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये सब बच्चों को अपने वश में कर लेगा और फिर बच्चे एग्जाम देने से डरेंगे। बल्कि इस बार तुमने जो विषय पढ़े हैं मैं उसे मिला दूंगा। हमारे घर पर क्यों फोन कर रहा है? डरो और डरो बच्चों, मैं परीक्षा का भूत हूं, डरो मुझसे। बच्चे परीक्षा के भूत से कैसे डर रहे हैं? अब मैं क्या करूं? कहानी आगे क्या होगा? लेकिन लेकिन विद्यालय ने ये सास सच्चू के परिवार के घर का नंबर बच्चों को क्यों दिया? क्या हो रहा है? कुछ पता चल नहीं रहा है। कैसे रोको उस परीक्षा के भूत को? कैसे? बॉस
अब बल्लू के घर पे क्यों फोन कर रहे हो? उनको पता चल जाएगा कि हेल्पलाइन का नंबर आप ही ने चेंज किया है। नहीं केवल, पता नहीं चलेगा और मैं बोल दूंगा कि मैंने तो नोटिस बोर्ड पे जो हेल्पलाइन का नंबर लिखा था उसके ऊपर मैंने फोन कर दिया, और उनको मुझ पर शक भी होगा ना केवल, तो वो दूर हो जाएगा। हेलो हेलो सर, मैं मोंटू द डरपोक लखानी बोल रहा हूँ सर। मुझे एग्जाम का बहुत डर लग रहा है सर, मेरी हेल्प कीजिए ना सर, प्लीज सर, सर प्लीज। मोंटू मैं बल्लू बोल रहा हूँ। बल्लू, तेरे घर पे कैसे फोन लग गया? मैंने तो स्कूल के हेल्पलाइन पे फोन किया था। पता नहीं मोंटू, सभी बच्चों के फोन यही आ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी यार बल्लू, से वेरी वेरी सॉरी। एक काम कर, तू सो जा। नहीं सो मत, पढ़। गुड नाइट गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.